नूह में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन बदमाशों को अपराध जांच शाखा तावड़ू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से चार देशी तमंचा, चार जिंदा रौंदा, एक कटर मशीन, चाबी समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। बता दें कि बदमाश देश के कई राज्यों में एटीएम काटने की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगाला ने कहा है कि प्रभारी अपराध जांच शाखा तावड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और साथ ही एटीएम काटने के मुख्य आरोपी साजिद उर्फ काला निवासी राहड़ी के साथ उनके गैंग के पांच अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने बताया है कि पकड़े गए बदमाश अरावली पर्वत के स्थित धर्मकांटा के पास बने कमरे में बैठकर आने जाने वाले वाहनों को लूटने की योजना बना रहे थे। सभी बदमाश हथियार के साथ पूरी तरह से लैस थे। जो अपराध शाखा तावड़ू है उसके द्वारा गत रात को ये गुप्त सूचना के आधार पर एक रेड अमल में लाई गई, जिसमें सिलखो क्षेत्र में पहाड़ के पास एक सूचना मिली थी कि कुछ जो वांछित अपराधी हैं वो अन्य वाहन लूटने की फिराक में और वहां पर जो है घेराबंदी कर रहे हैं और उनके पास भारी मात्रा में अस्त्र भी मौजूद हैं एवं अन्य जो एटीएम लूटने से संबंधित सामान है वो भी उनके पास मौजूद है। इस सूचना को सच्ची मानकर हमारी टीम के द्वारा, जिसमें कुल सात हमारे पुलिस पर्सनल थे, उन्होंने रेड की और रेड करने उपरांत छह अपराधी जो वहां मौजूद थे उनको धर दबोचा। हमारे जो मुकाबले में